तो जवान बेटे की मौत देखना, ये वही जानता है जिस पे गुजरी हो, वही जानता है जिस पे गुजरी हो। मेरे मुकद्दर में था, मैंने हमेशा दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे औलाद का सदमा न दिखाना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इकराम और आप देख रहे हैं इकराम रिएक्ट्स। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हार्ट टचिंग होने वाला है। दरअसल मौलाना तारिक जमील साहब का बेटा असीम जमील का डेथ का लगभग 4 से 5 दिन हो गया, और उसी टॉपिक पर मौलाना तारिक जमील साहब ने एक मुख्तलिफ सा बयान दिया है। चलिए वो बयान सुनते हैं। तो जवान बेटे की मौत देखना, ये वही जानता है जिस पे गुजरी हो, वही जानता है जिस पे गुजरी हो। मेरे मुकद्दर में था, मैंने हमेशा दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे औलाद का सदमा न दिखाना, ये हमें उठा के ले जाएं, हम इन्हें ना उठाएं। लेकिन अल्लाह की तकदीर वो गालिब है और हमें उस पर राज़ी होने का हुक्म है। मेरे नबी की दुआ है, اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، يا الله تو اپنی تقدیر پر مجھے راضی کر دے۔ تو بالکل ہم راضی ہیں، میرے سارے خاندان والے راضی ہیں، لیکن جو ایک زخم لگا ہے وہ بہت گہرا ہے، وہ اتنی جلدی بھرے گا نہیں۔ कि मेरा बेटा सबसे काबिल और लायक बेटा, तीनों बेटों सबसे लायक बेटा, सबसे नेक बेटा था, और इसने गरीबों के साथ क्या सलूक करना है इसने हमें सिखाया। गरीबों के इसने दिल खरीद लिए थे, उनके साथ बैठ के खाना खाता था, उनको अपनी कीमती गाड़ी में बिठाता था। जो लोग अपनी गाड़ी के करीब किसी को ना गुजरने दें, वो उनको उन्हीं गंदे कपड़ों के साथ, यहाँ एक पागल रहता है, वो मैले कुचैले गंदे कपड़े पेशाब बीच में किया हुआ उसको उठा के और अपनी गाड़ी में बिठाता था। वो सारी सीट ख़राब हो जाती थी, लेकिन वो उसको अपनी फैक्ट्री में ले जाता, फिर नाई को बुलाकर उसके बाल कटवाता, उसको नहलाता, उसके कपड़े बदलवाता। इस पूरे गांव में वो पागल सिर्फ एक शक्ल को जानता है और एक नाम को जानता है। वो नाम तो पुकार नहीं सकता था, कहता मियाँ मियाँ मियाँ, ये उस ये सिर्फ एक इस आसिम जमील को वो जानता है, जो आज हमसे रुखसत हो गया और यहाँ हम बेबस हैं और अल्लाह की तकदीर पर हम राजी हैं। और सईद मन वईदा बगैर ही मौत से अपनी मौत को याद करना चाहिए कि एक दिन मेरे ऊपर भी ये आएगा और मेरा भी सांस निकलेगा और ज़िंदगी का धागा टूटेगा। ये इस बच्चे ने वो काम किया इलाके में जिसको मैं अपनी तारीफ ना हो जाए, ये अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने इसको अपने पास बुलाया। लेकिन बहुत कम वालदैन को ऐसी औलाद मिलती है, बहुत कम वालदैन को ऐसी औलाद मिलती है, और उसे जवानी में अल्लाह ने बुला लिया। मैं राजी हूँ, मेरा सारा ख़ानदान भी राजी है, लेकिन ये रोना तो मेरे बस में नहीं। अल्लाह औलाद के सदमे से सबको बचाए, अल्लाह औलाद के सदमे से सबको बचाए। तो छोटे छोटे गम के काबिल नहीं है, मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा गम है। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और ये सारा मजमा देख के मुझे हौसला हो गया है कि मेरा बेटा वाकई बहुत नेक था, जिसके लिए इतना मजमा, उसके लिए दुआ करने आया है। 40 आदमी जनाजे में हों और मैयत के लिए दुआ करें तो मेरे नबी ने फरमाया उसकी बख्शिश हो जाती है। और ये तो माशाल्लाह हज़ारों गिनती से भी बाहर मजमा खड़ा हुआ है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और मेरे भाई इस दिन की तैयारी करके मरना चाहिए। अगर अल्लाह राज़ी है
तो अल्लाह की कसम मौत से खूबसूरत कोई पैगाम नहीं, मौत से खूबसूरत कोई पैगाम नहीं। और अगर अल्लाह नाराज़ है तो मौत से खौफनाक कोई पैगाम नहीं है। और ये मेरा बच्चा ये अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे तड़पता था जैसे किसी को कोई ज़ख्म हो जाए और वो तड़पता है। और हम अल्लाह को जानते हैं, मानते हैं, हमारे एहसास में अल्लाह का ताल्लुक शामिल नहीं, हम अकली तौर पर मानते हैं। मेरी 52 साल ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में नेक लोग औलियाए कराम उलमाए कराम के साथ गुजरी। मैं बाप होने की वजह से नहीं कह रहा है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, जैसी तड़प इस बच्चे में अल्लाह की मोहब्बत की थी मैंने कभी नहीं देखी। ये 2-2 घंटे मुझसे बात करता था और मैं ऐसे बैठ के सुनता रहता था। बोलने वाला कब सुनता है किसी की बात, लेकिन ये अनपढ़ बिल्कुल डिस्लेक्सिया का मरीज था, हरूफ की पहचान नहीं थी इस, तो इसलिए ना ये पढ़ा, ना दीन का कुछ पढ़ा, ना दुनिया का कुछ पढ़ा, लेकिन अल्लाह ने इसको अकल फहम और अपनी मोहब्बत ऐसी दी थी कि हमें महसूस होता था कि इसके अंदर उस मोहब्बत की आग है। और अपनी माँ से कहता, माँ दुआ करना मैं मर जाऊँ, मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूँ, मैं इस गंदी दुनिया से तंग आ गया हूँ। 30 साल की उम्र में उसने ये कहना शुरू, मैं जाना चाहता हूँ, अगर अल्लाह मुझे कहे कि तुम्हें रहना है या जाना है, एक सेकंड में कहूँगा मुझे तेरे पास आना है, मुझे तेरी मुलाकात का शौक। और मुझसे पूछता, बाबा आगे अल्लाह मिलेगा मुझे? मैंने उससे बड़ी बातें करनी है, मुझसे मिलेगा? मैंने कहा इंशाल्लाह आज तुम मिलोगे अपने अल्लाह से, ज़रूर मिलोगे, तेरी तड़प तेरी तमन्ना रहती थी मैं अल्लाह से मिलूँ। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक आदमी एक देखा है, ये बच्चा जिसके एहसासात में अल्लाह की मोहब्बत थी। एहसासात जैसे हमारे दर्द हमारे एहसास में भी जब शामिल होता है फिर हम हाय हाय करते हैं, और जब तक शामिल नहीं होता तो हम चलते रहते हैं। इस बच्चे को अल्लाह ने अपनी कुदरत से ये ताल्लुक और मोहब्बत अता फरमाई थी। और बस मैं और क्या तारीफ करूं, मेरा तो सीना वैसे ही ज़ख्मी है। ये बहुत बहुत आलीशान बच्चा अल्लाह ने मुझे दिया था, मैं अल्लाह की तकदीर पे राजी, उसने उसी का था, उसने ले लिया। भाइयों मौत से पहले मरने की तैयारी कर लो, आपस की लड़ाइयाँ छोड़ दो, आपस के झगड़े छोड़ दो, आपस की नफ़रतें छोड़ दो। मरने वाले से पूछो कि नफ़रत का क्या फ़ायदा है, झगड़ों का क्या फ़ायदा है। माफ़ करना सीखो, माफ़ी मांगना सीखो, माफ़ करना सीखो, माफ़ी मांगना सीखो। 5 नमाजें हैं, कोताही ना हो, साल के बाद रोज़े आते हैं, बीमार हो तो अल्लाह कहता छोड़ दो। हज और ज़कात पैसे वालों पर है। तो टोटल ईमान के बाद 2 बातें हैं, एक नमाज है और एक रोज़ा है। और उसके बाद एक हदीस में सुनाकर हम जनाजा पढ़ते हैं। मेरे नबी ने फरमाया 4 बातें सीख लो मुझसे, 4, अब पंजवीं भी नहीं, 5वीं नहीं, 4 अंगूठा निकाल के, 4 बातें मुझसे सीख लो तो फिर दुनिया भी तुम्हारी है आखरत भी तुम्हारी। सिद्क व हदीस, हमेशा सच बोलना, हमेशा सच बोलना। आज नियत करते हो? हिफ्ज़ व अमानतें, किसी को धोखा ना देना, किसी के साथ 2 नंबरी ना करना, किसी को अपने मफाद और पैसे के लिए अपने मनसब के लिए उसके साथ धोखेबाजी ना करना। 3री बात, हुस्न खलीकतें, अपने अखलाक अच्छे रखना, गाली गीबत इल्ज़ाम तराशियाँ झगड़े ये छोड़ के अच्छे अखलाक वाले बन जाओ। और 4थी बात फरमाया, रिफ़तन फ़ी तुमतें, रिज़्क हलाल कमाओ। अब सारे मजमे से मेरी अपील है, आज के बाद नमाज पक्की करनी है और सच बोलना है और किसी को धोखा नहीं देना और अपने अखलाक अच्छे करने हैं, किसी को गाली नहीं देनी, किसी को बेइज्जत नहीं करना और रिज़्क हलाल कमाना है।
तो इंशाल्लाह मेरे नबी का वादा है, दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। आओ हम अपने बेटे को रुखसत करें। दोस्तों आज की थी ये वीडियो। मौलाना तारिक जमील साहब को सब्र जमील अता फरमाए और असीम जमील साहब को जन्नतुल फिरदौस नसीब अता फरमाए। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कैसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।